समाचार आ रहा दोस्तों, मैं लाल मशेक पब्लिक चैनल से। दोस्तों मुमरा कौसा के अंदर एक चीज आपने देखा होगा, खास करके पहले जो है लाइट जाने का एक बहुत बड़ा मसला रहता था, और वो भी दिन होता था जुमा का, जो शुक्रवार का दिन होता है, नमाज का टाइम होता है, नमाज का वक्त होता है। अभी आस्ते आस्ते थोड़ा लाइट का मसला एक अच्छा हुआ है, कम जाती है। और अब सबसे बड़ा एक सवाल उठता है कि अब मसला है यहाँ पानी का, जो पीने का पानी आता है। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है कि शुक्रवार के दिन ये भी एक चुना गया है कि शुक्रवार को पानी नहीं आता है। हमारे लोगों को जो नमाज पढ़ने का रहता है, लोगों को जो मतलब कपड़े धोने के रहते हैं, ये ज्यादा तादाद होती है जुम्मा के दिन, क्योंकि हर शख्स नहाने की कोशिश करता है, हर शख्स नहाता है, क्योंकि भले वो पाक साफ हो लेकिन उसको नहा के मस्जिद में जाने का रहता है, नमाज पढ़ने का रहता है, क्योंकि शुक्रवार का जो दिन है बहुत अहम दिन होता है मुसलमानों के लिए। लेकिन कुछ कार्रवाई इसके ऊपर नहीं हुई है। मैं फिर आपको जानकारी देता हूँ कि अभी मैं ज्यादा दूर की बात नहीं करता हूँ, मैं किस्मत कॉलोनी के अंदर की बात करता हूँ। जो किस्मत कॉलोनी के अंदर एक पाइपलाइन, जैसे कि आप देख सकते हो, ये पाइपलाइन सब था ऊपर पड़ा हुआ था, अभी वहां पर एक नया पाइपलाइन वहां पे डाला गया है पानी का, कि सिद्दीकी बाग से लग के पाइपलाइन जो डाला गया है, उसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि काफी तकरीबन नहीं बोलेंगे, कम से कम चोरी की लाइनें उसमें कम से कम 15 से 16 लाइनें उसमें कनेक्ट की गई है, जो कि ये चोरी है। जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखो ये प्लम्बर है जो कि एक थ्रेड मार रहा है उसके अंदर टैपिंग कर रहा है, और ये भी देखो एक शख्स बैठा है, ये भी टैपिंग में आपको बाकायदा दिखा रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये चोरी की जो लाइनें होती हैं, ये जो नीचे के हिस्से में मुमरा कौसा में है वहां पानी का समस्या नहीं होता उतना, लेकिन जो चढ़ाव पे होता है, जो पहाड़ के साइड में है, उनको समस्या होती है, क्योंकि वो प्रेशर बन नहीं पाता है और पानी वहां चढ़ नहीं पाता। एक तो वैसे ही मुमरा कौसा में किल्लत है पानी को लेकर। यहाँ के जो ऑफिसर है वागले साहब, उनको भी हमने काफी बार कंप्लेन किया कि मतलब यहाँ पर सर यहाँ पे कार्रवाई हो रही है। उन्होंने मुझे रोज कहा, रोज वादा किया कि मैं आदमी भेज रहा हूँ, यहाँ भेज रहा हूँ, वहां भेज रहा हूँ, लेकिन उन्होंने भेजे नहीं। तो यह मुमरा कौसा में जब एक गली के अंदर इतनी चोरी की लाइन है, तो पूरा मुमरा कौसा के अंदर कितना होगा। तो मैं ये महानगर पालिका से मैं अपील करूंगा कि इस पानी के लाइन पे ये जिम्मेदारी है आपकी, ये जिम्मेदारी बनती है। जितनी भी चोरी की लाइन है और इस तरीके से जो लोग किए, उनकी लाइन कट की जाए और ये पानी का समस्या जो शुक्रवार के दिन नहीं आता, ये खत्म किया। न्यूज को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन दबाइएगा। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नए न्यूज के साथ हाजिर हूँ, जब तक के लिए नमस्कार।